अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अभी तक तो रोज़े अच्छे जा रहे हैं, लेकिन एंड के रोज़े जो है लंबे हो जाते हैं, तो हाँ। लगते हैं थोड़े, देखते हैं कैसे जाएंगे खैर रोज़े। और आप लोग बताइएगा कमेंट्स में आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। तो हम लोग कर रहे थे थोड़ी सी क्लीनिंग, तो हम लोग कर रहे थे क्लीनिंग किचन की। नीचे वो जो कबर्ड है ना, मैंने भी उसकी करनी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि उधर जो वो आटा रखा हुआ होता है ना, तो वहाँ पे खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, सारे बर्तनों पे भी हो जाती है, और ऑयल वगैरह की भी बोतल्स होती हैं, तो उसकी वजह से भी ऑयल भी हो जाता है वहाँ पर। तो गाइस, हमने बोला आप लोगों के साथ भी शेयर करें जो भी रूटीन, तो गाइस जो भी रूटीन होती रहेगी वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी आज की रूटीन होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जितनी भी हो सकी रोजे में जितनी भी हिम्मत हुई तो उतनी हम वीडियो बना लेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम कर रहे थे किचन की क्लीनिंग, तो वो हमने बोला थोड़ा सा दिखा देते हैं। पिछली बार भी खैर दिखाई है हमने, कितनी बार ही दिखा चुके हैं तो, लेकिन आते ही डेली में यही सब कुछ है, घर का काम वगैरह और जो भी होता है, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करना होता है, शेयर करते हैं। तो बस अभी हम आप लोगों के साथ डेली रूटीन शेयर करेंगे जो भी होगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग गाइस, मैंने किचन की क्लीनिंग तो सुबह ही कर दी थी और बर्तन वगैरह भी क्लीन कर दिए थे, और बस किचन देखे मैंने क्लीन कर लिया पूरा कवर्ड, यहाँ से मैंने क्लीन कराई। ये हमने ना ग्लूप लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हैं छोटे छोटे कॉकरोच, पूरे फ्लैट में हैं, यहाँ जितने भी फ्लैट हैं ना उन सब में, तो वो ना घूम फिर के सबके यहाँ शेयर करते रहते हैं। तो बस ये किस कबर्ड क्लीन कर लिया है, इधर रखना है वापसी से हमने सामान, खास तरीके से कुछ सामान जो कि हमने वापसी अब कबर्ड में रखना है, क्लीन कर दिया है कबर्ड हमने। तो गाइस पहले हम ये सारा सामान रख देते हैं कबर्ड में, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस हम लोगों ने जो है किचन क्लीनिंग कर ली है, तो मैंने सेटिंग भी कर दी है, सारी चीज़ें वगैरह जो हैं रख दी हैं नीचे कबर्ड में। मैं इनसे बोला भी नहीं जा रहा, देखें आवाज़ कितनी सीलो हो रही है। नहीं नहीं बोले जा रहे। तो बस अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना टाइम लगा वैसे हमें। कम से कम एक घंटा लगाया हमें पूरी क्लीनिंग करने में, सिर्फ नीचे के कबर्ड क्लीन किए हैं जो कि हमने दिखाते हैं हम आपको। फाइनली गाइस आप लोग किचन को देख सकते हैं कितना क्लीन हो रहा है, क्योंकि हैं सबके रोज़े, और इस साइड भी देख सकते हैं आप लोग किचन क्लीन हो रहा है बिल्कुल। और यहाँ से भी मैंने सारा कचरा वगैरह जो है सारा क्लीन कर दिया है, यहाँ पर मैंने जितना भी कचरा किया था कबर्ड में से निकला था वो कुछ मैंने सारा क्लीन कर दिया है। और ये वाला कबर्ड खोल के दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने सेटिंग की है कबर्ड में, सारे बर्तन वगैरह जो है मैंने ऐसे रख दिए हैं इसमें, तो इस तरीके से कुछ सेटिंग किया। इस बाल्टी का ढक्कन हमसे टूट गया था, तो अम्मी ने बोला था ये नई बाल्टी लाएंगे तो जल्दी ही आ जाएगी न्यू बाल्टी। और इधर से जगह देखें कितनी खाली खाली हो गई है, और उस साइड से मैं दिखाती हूँ इसका। ये वाला कबर्ड भी कुछ इस तरीके से यहाँ की देखें मैंने सेटिंग कर दी है, पीछे भी जगह खाली पड़ी हुई है, ऑयल का डब्बा रखा हुआ है, और ये आटे की एक बोरी इसमें जाएगी बाल्टी के अंदर, एक बोरी रखी है। और ये कढ़ाई मैंने इसलिए बाहर रखी है क्योंकि इसमें हमने करने हैं पकौड़े वगैरह फ्राई, इसलिए मिली भी आ रही है, ये रही मिली। म्याओ क्या हुआ, खाने का टाइम तो नहीं हुआ है आपका? प्यारा करवा रही है, ये इनका भी रोज़ा होना चाहिए था। ये देखें इसकी मस्ती, इसकी मस्ती यहाँ देखें, हमने वो गले लगती है ये। तो गाइज अभी आगे की जो भी रूटीन होगी वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बोल दो हाय, बोलो चैनल सब्सक्राइब करें हमारा, जल्दी सपोर्ट करें हमारे चैनल को, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोल दो। मैं अभी क्या कर रही हूँ वो भी दिखाती हूँ, और अभी देख रही हैं ड्रामा, तो मैं बताती हूँ मैं अभी आप क्या कर रही हूँ। तो गाइज मैं अभी आ गई हूँ किचन में, और मैं बना रही थी लस्सी, ताकि अभी से बना के रखूँगी तो शाम तक के ठंडी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो सबका रोज़ा है। तो मैं बना रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने इसमें दही भी डाल लिया है आधा किलो, और इसमें पानी भी डाल लिया है। अब मैंने डालनी है इसमें चीनी, क्योंकि दही होता है खट्टा, तो चीनी डालनी लाजमी है। गाइस मिली जो है लेटी हुई है, और इधर जो है केरी भी सो रहा है, और चेरी भी उधर सो रही है चेयर में। तो गाइस मैंने इसमें आधा कप जो है चीनी भी डाल दी है,
गाइस मैंने जो है लस्सी जो है रेडी कर ली है और अम्मी को भी मैंने दे दी है। अम्मी का रोज़ा नहीं है, क्यों? क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से ज़रा ना अम्मी को नज़ला ज़ुकाम बहुत हो रहा है, तो डॉक्टर ने गोलियाँ दी हैं, तो इस वजह से सिरप और गोलियाँ खानी पड़ रही हैं, इस वजह से अम्मी का रोज़ा नहीं है, तो अम्मी को मैंने दे दी और बस ये अब हम लोगों के लिए है, तो इसको हम रख देते हैं, तारी में ही इसको पी लेंगे। फ्रिज भी माशाल्लाह से हमारा ठीक हो गया है, तो अब इसमें हर चीज़ रखी जा रही है। माशाल्लाह से अम्मी के पौधे भी जो हैं बहुत ग्रो कर रहे हैं। अम्मी सुबह ही सुबह इनमें पानी डाल देती हैं क्योंकि भाई लोग तो जल्दी जा रहे हैं, वैसे भी काम पे 7 बजे चले जाते हैं। और लीली को देखें, इस डब्बे को इसने अपना घर बना लिया है और ये चिकन खा रही है अभी। इसमें आए थे, ये डब्बा असल में है ऑयल का कार्टन जी, इसमें ऑयल की बोतलें आई थी बहुत सारी, तो हमने वो खाली कर ली क्योंकि किचन में जो है ये नहीं आ रहा था, तो इन लोगों ने इसको घर बना लिया। हालांकि घर है ये ऊपर, फिर भी इसमें सो रही है ये जा के। और गाइस अभी मुझे एक काम और है, ये तो खजूर हैं 2 पैकेट, ये हटा दो। ये जो चने हैं ना, इसमें ये पूरे 1 किलो ये मुझे पीसने हैं, क्योंकि हम लोग रमज़ान में जो है ना रात के टाइम पे जब सोते हैं ना, तो सोते वक्त ये मिल्क शेक बना के पीते हैं, उसमें ये चने होते हैं, गुड़ होता है और खजूर होते हैं, केले होते हैं और दूध भी होता है। अभी हो चुका है टाइम 10:30 बजे का और नूर भी यहाँ पे बैठी हुई है और उरुजा भी धो रही है बर्तन। और गाइस मैंने पहली बार मीठा बनाया और पहली बार ये मैंने खुद से सिया है और पहना है, और ये मुझ पर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ये भी आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ये ब्राउन कलर मुझ पर अच्छा लग रहा है या नहीं, मैंने ये फर्स्ट टाइम पहना है ब्राउन कलर ये वाला, वरना तो मैंने सारे दूसरे कलर और ज़्यादातर मेरे ब्लैक रेड सूट ही होते हैं। इस बार मैंने जो भी जितने भी बनाए ना कलर के कपड़े, वो सारे अलग अलग कलर के कपड़े बनाए। मच्छर भी बहुत हो गए हैं, बहुत आ रहे हैं ये रहा मच्छर। और गाइस हमारा फ्रिज भी जो है बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है, बिल्कुल सही हो चुका है हमारा फ्रिज भी माशाल्लाह से, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, अभी हमने थोड़ा बहुत ही सामान रखा है क्योंकि उसने बोला था कि 1 हफ्ते इसमें ज़्यादातर सामान नहीं रखना है आप लोगों ने, तो इसलिए ज़रूरत का, जो बिल्कुल ज़रूरत का है वो सारा सामान रखा हुआ है। बोतलें भी रखी हैं क्योंकि पीनी है, जाहिर सी बात है, पानी ठंडा। हाँ, और गाइस मैंने मीठा बनाया था, मीठा मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, बाहर निकाल के रखा है। अच्छा, तो गाइस मीठा ये रहा, हमने इसके ऊपर जाली इसलिए ढक दी थी ताकि ना ये जल्दी से ठंडा हो जाए, वरना इसका ही ढक्कन ढकते ना तो ये ना बहुत देर में ठंडा होता है, इसलिए हमने जाली ढक दी थी। और ये बहुत ठंडा ठंडा सा हो चुका है गाइस, और अभी अभी हम लोगों ने रोज़ा खोलने के बाद जो है इतना सारा मीठा जो है फिनिश कर दिया। जब ये बनी थी तब मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने बोला अब दिखा दूँ। सब ने खावा भी लिया है और अभी भी ये इतनी सारी बची हैं सेवियाँ। तो गाइस अभी ये जो जितनी भी सेवियाँ बची हैं ये, तो ये तो मुझे बहुत ही पसंद है ये वाली, वरना मुझे और बहुत पसंद है। हाँ, उरुजा भी यहाँ पर बोली है, उनको भी बहुत पसंद है। तो ये जो है ये बची हैं, तो ये कल भी खा ली जाएंगी, और अभी जो है ना रात में भी देखना सोते टाइम जो है भाई लोग खाएं, क्योंकि भाई लोगों को मीठा बहुत ही पसंद है। तो पहली बार ये मैंने मीठा बनाया था, बहुत ही मज़े का बना, मेरे हाथ का ये पहला मीठा, क्योंकि हर बार जो है वो उरुजा भी ही बनाती हैं मीठा, तो इस बार मैंने बनाया, अम्मी ने मुझे बोला था कि तुम बनाओ, तो इसलिए मैंने बनाया है मीठा। और यहाँ पे मैंने ब्लैकी को भी ले लिए गोदी में। ब्लैकी हाय करो सबको, मुँह ही आया हुआ है बस इसका मेरे हाथ में, बाकी ये लटका पड़ा है नीचे। माशाल्लाह से ब्लैकी जो है ना हमारा बहुत बड़ा हो गया है, माशाल्लाह से मेरा ब्लैकी, नखरे भी ज़्यादा हुए हैं इसके वजह से बहुत ज़्यादा। रूजा भी धो रही हैं बर्तन, तो वरना वो दिखा देती। तो गाइस उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। इधर नूर बैठी है, मुझे हंसा रही है गाइस, नकल उतार रही हूँ मेरी इधर बैठ के। तो जो हमारे चैनल पर नहीं हुए वो भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, और बेल आइकन को प्रेस करें। मच्छर भी बहुत हो गए हैं, बहुत आ रहे हैं ये रहा मच्छर। तो बस मिलते हैं एक नेक्स्ट और न्यू व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।